Hey, hi everyone, welcome back to my channel and Jai Jagannath to all of you and day 8 of this journey. I hope आप यहीं तक ये जर्नी एंजॉय कर रहे होंगे. अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो बता दीजिए कमेंट में, मैं बंद कर दूंगी. क्योंकि अगर किसी को एग्जस्ट फील हो रही है इस जर्नी से या फिर मतलब क्या बोलूँ बोरियत सी फील होती है तो मैं चेंज कर लूँगी एंड एज यूजर प्रीवियस की तरह वैसे ही वीडियो डालूंगी. सो अबाउट के पहली चीज़ मैंने ये करी कि मैंने अपनी धनिया और पुदीना जो रखी हुई थी कल से उसको ग्राइंड करके चटनी बनाई एंड काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी तो आई जस्ट मतलब मेरे को लगा कि कुछ खा लूँ उसके बाद ही पढ़ाई करूँगी. तो ब्रेड भी थी तो मैंने सैंडविच बनाई और उसके बाद चाय बनाई. चाय पीऊँगी नहीं सुबह सोची थी, लेकिन सुबह सुबह नहा लिए इसीलिए मेरे को लगा कि सर्दी लग जाएगी अब भयंकर वाली. एंड अभी अगर हेल्थ ख़राब हुई ना तो पक्का मेरी प्रीलिम्स मिस हो जाएगी, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं कोई नहीं पी लेती हूँ चाय एक कप. एंड चाय पीने के बाद मैंने इकनॉमी की रिवीजन शुरू कर दी और इकनॉमी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एंड ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है तो थोड़ी सी मेरे को मतलब डर लग रही है ख़त्म हो पाएगी कि नहीं. लेकिन चलो इतना ज़्यादा ना सोचते हुए भी मैंने इसको कंटिन्यू ही अभी कर रही हूँ क्योंकि इकनॉमी तो एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है प्रीलिम्स के लिए. अगर आपने पीवाई क्यूज़ देखी होगी तो आपको पता होगा इकनॉमी का वेटेज का कितना ज़्यादा है एंड काफ़ी पहले जैसा क्वेश्चंस नहीं आती है ना कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस आ जाती है. अभी तो डेप्थ नॉलेज में भी मैं ही वो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ज़्यादा. सो यू कैंट इग्नोर एंड ऐसे नहीं कि इस पोर्शन से पढ़ लो तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगी वहाँ से नहीं आएगी, आपको सब करके जाना है. तो बस मैं अभी स्टार्टिंग ही कर रही हूँ. उसके बाद करंट की तो मैंने कुछ कुछ नोट्स बनाई हुई है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग की स्टेट पीसीएस के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा इस बार मेरी गड़बड़ हो रखी है प्रिपरेशन तो थोड़ी सी मैनेज करके चलना पड़ रहा है. बट पता नहीं क्या होगा आगे, लेकिन चलो जो भी होगा अच्छा होगा. बस अभी इसको ख़त्म करते हैं एंड आज भी वही मेरी इकोनॉमी एंड सी सेट ही मैं करूँगी क्योंकि एक बार इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद पॉलिटी ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें मैंने एक बार कर रखी है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा उसमें मेरे को टाइम लगेगी. सो इकोनॉमी इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि इसमें मेरे को टाइम लगेगी मुझे पता है बहुत ज़्यादा. काफ़ी बुरी वाली फंसी हूँ मैं इकोनॉमी में. सो मैं बस रिवाइज कर रही थी एंड मतलब क्या बोलूँ दिन में ना काफ़ी ज़्यादा नींद आती है मुझे. अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो 1-2 बजे के बाद काफ़ी ज़्यादा नींद आ जाती है तो आज मैं सोची हूँ कि उसी वक्त ही मैं याद करूँगी, उससे पहले नहीं करूँगी. तो जब इकनॉमी मेरी एक पिलर ख़त्म हो गई मतलब आप खुशी देख सकते हो मेरे शक्ल में कितना ज़्यादा मैं खुश हो रही थी. अरे एटलीस्ट एक पिलर तो ख़त्म करी मैंने अच्छे से. सो मैंने थोड़ी सी पानी पी एंड मैंने ब्रेक भी ली थी एंड तब तक बज गए थे 1:30. हाँ 2 बज गए थे. मैंने अपने बाल को थोड़ी सी मतलब क्या बोलते कम किया क्योंकि मैंने नहीं की थी सुबह आज एंड अगर 2-3 दिन में कम ना करूँ तो काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल भी होती है तो मैंने सोचा कि चलो कम करके इसको अच्छे से टाई कर लूँ तो फिर दिन भर अभी ये मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. एंड उसके बाद थोड़ी सी बिस्किट में खा रही थी एंड उसके साथ ही मैंने शुरू कर दी सी सेट की PYQs रिवीजन. और सी सेट करते वक्त मेरे को नींद नहीं आएगी एंड एज रीजनिंग की चैप्टर ही मैं कर रही थी तो उसमें तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती मुझे. अदरवाइज थोड़ी सी नींद आ जाती है इस वक्त शायद धूप की वजह से या फिर क्या हो रहा है पता नहीं अभी. लेकिन चलो मैं अभी सी सेट आज मैंने अच्छे से सी सेट भी करी एंड उसके बाद दोबारा से बैठ के इकोनॉमी में पढ़ी और एक और पिलर की भी लगभग मैं ख़त्म करने की तैयारी में हूँ अभी. तो इवनिंग को आज बुधवार थी तो मेरे को मार्केट भी जानी थी तो मैं गई एंड सब्जी वगैरह जो भी पूरे हफ्ते के लिए मैं लेके आ गई ग्रोसरी सब्जी थोड़ी सी फ्रूट्स लाई एंड ये मतलब बिस्किट वगैरह जो चीज़ें होती सूखे वाले उनको भी ले आई क्योंकि अभी ज़्यादा कुकिंग करने में मन नहीं कर रहा है स्ट्रेस की वजह से. सो मैं सारे ड्राई चीज़ें जो भी है लेके आ गई हूँ ताकि बार बार मार्केट जाना ना पड़े. हाँ सिर्फ दूध और दही के लिए जाना पड़ेगा लेकिन वो यहाँ पे नीचे ही मिल जाती है मतलब 100 मीटर के डिस्टेंस में ही. तो फिर वापस आके मैंने थोड़ी सी गर्म मिल्क पी एंड उसके बाद दोबारा से इकोनॉमी के रिविज़न में डट गई एंड रिविज़न मेरी जितनी भी आज मेरे को पढ़नी थी अब तक ख़त्म हो गई है एंड अभी 1 बज रहे हैं रात की. तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करके उसके बाद मैं एक्सरसाइज करके सो जाऊंगी एंड कल फिर शुरू करेंगे अपनी एक नए दिन की शुरुआत. एंड अभी तो काफ़ी ज़्यादा डिलेमा में मैं हूँ एग्ज़ाम को लेके, लेकिन जब तक कोई डिसीजन में नहीं पहुँचती हूँ तब तक तो ऐसे पढ़ती रहूँगी. एंड आप ज़रूर बताना अगर आपको इस जर्नी से कुछ हेल्प हो रही है या फिर नहीं. सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा.